अल्लाह पाकिस्तान का टाइम किसी पे ना आए। इसलिए मैं सुना नहीं सरा, बस कोई नहीं, मैं भी तो बोलता अपन अनटोल्ड स्टोरी जो थी हमारी है ना। हाँ जी, वो तो इस तरह ऑन कैमरा बताने वाली तो है ही। देखा, शुरू हो गया ना, शुरू हो गया ना। ये वो पैसे हैं जो आप लोगों ने भेजे, जो गजल ने डाले, जो मैंने डाले। ये रहा जी मोहम्मद अली के बाबा का नंबर, ये उनका अकाउंट नंबर आ गया, और ये आ गया स्क्रीनशॉट, ये उसकी मम्मा का मैसेज आ गया। ने ना वो डैशबोर्ड खोला, अंदर से निकाली पिस्टल, उसने सिर्फ पिस्टल देखा है और वो ऐसे उल्टे पैर भाग है कि जैसे मुझे कभी नजर ही ना आया हो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, रोजे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि सबके रोजे बेहतरीन गुजर रहे हों। अच्छा, सीन ऐसे है कि हम एक्टिविटीज बहुत दिखाते हैं, जो जो हो रहा होता है वो दिखाते हैं, समटाइम्स जो नहीं हो रहा होता वो भी दिखाते हैं। वो किस तरह दिखाते हैं, होता है कोई ना कोई दिन इस तरह का आता है कि जो बोरिंग होता है मेरी लाइफ में भी, लेकिन मैं आपका बोरिंग उसे नहीं रहने देता। मैं कुछ ना कुछ उस दिन क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ बना लेता हूँ। तीन चार दिन बाद की मसरूफियत होती है, लेकिन उसको पहले कर लेता हूँ ताकि मेरी फैमिली बोर ना हो, मेरा कॉन्टेंट बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज कोई एक्टिविटी नहीं है। आज मैंने चार करेक्टर सेलेक्ट किए हैं जिनके पास मैंने जाना है, उनके साथ मेरे साथ जो जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी तो होगी ना, जो उन्होंने आज तक व्लॉग में शेयर ना की हो। ऐसी एक नहीं, हजारों स्टोरीज होंगी, क्योंकि हम लोग एक 20-25-30 मिनट का व्लॉग बनाते हैं, लेकिन हमने पूरी पूरी लाइफ जो है वो साथ स्पेंड की हुई है, ठीक है। तो मैंने उन चार करेक्टर से चार अनटोल्ड स्टोरी सुननी है। वो चार करेक्टर कौन से हैं? सबसे पहले मेरी माँ, फिर गजल, फिर हैदर, फिर जहांगीर भट्ट। मैं शहजी को भी कंसिडर करता, लेकिन शहजी अनफॉर्चुनेटली कराची में है। तो हमने स्टार्ट करना है जहांगीर भट्ट से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 910K प्लस सब्सक्राइबर टच कर रहे हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको रंग लगाए। जिस तरह आप लोग मुझे हेल्प करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी भी हेल्प आउट कर सकूं, जितनों की कर सकूं। तो अभी हम टच कर रहे हैं 9,10,000 प्लस सब्सक्राइबर। हमारी कोशिश पूरी है कि रमजान के एंड तक हम 1 मिलियन टच कर ले, ताकि हमने जो सोचा हुआ है 1 मिलियन के ऊपर एक पूरी पूरी कारस्तानी करनी है, वो हम प्रोसीड कर सकें। तो अभी तक अगर आप अनसब्सक्राइब्ड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, उसके ऊपर चढ़ जाए, उसको ठुड्डे मारे जान। क्या मारे टुड्डे, उसको टुड्डे मारे, ताकि चैनल सब्सक्राइब होके बेल आइकन का बटन प्रेस हो जाए और हम रमजान के एंड तक अपना 1 मिलियन कंप्लीट कर सके। अच्छा जी, हम निकलते हैं, पहले अम्मा को मिलते हैं, अम्मा की तबीयत का पूछते हैं, उसके बाद चलेंगे, पहले हम जाएंगे जहांगीर भट्ट के पास, क्योंकि हमारा ट्रैक वो बनेगा। जहांगीर भट्ट से होते हुए वापस आएंगे हैदर की तरफ, हैदर से वापस आएंगे हम गजल की तरफ, गजल से वापस आएंगे हम मम्मा के पास, मम्मा की अनटोल्ड स्टोरी सुन के जो इनका दिल चाहेगा ये वो स्टोरी मेरे साथ बता सकते हैं, जो इनकी मेरे साथ हैपन हुई हो, जो मेरे साथ इनकी कोई ना कोई ऐसी कोई कारस्तानी हुई हो, ये बताना चाहे बता दे, कोई सेंसर नहीं होगा, कुछ मैं काटूंगा नहीं, जो इनका दिल करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये देखें, खुदा की कसम आई मीन इट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं व्लॉग में दिखा रहा हूं। मैंने परसों, हाँ 2 दिन पहले, आप देखेंगे ये व्लॉग 2 दिन बाद, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 2 दिन हुए हैं मुझे उस व्लॉग को लगाए हुए, जो हमने बच्चे के लिए लगाया था, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड मोहम्मद अली सैयदजादा जो हमारे पास आया था, हमने उसकी फंड रेजिंग भी की थी, हमने उसको सब्सक्राइबर्स देने को भी कहा था। माशाल्लाह 30-35 हजार सब्सक्राइबर भी उसके हो गए, 100 या 150 सब्सक्राइबर था। रजा फैमिली का लाखों करोड़ों शुक्रिया, उसके अलावा अल्लाह की जात का शुक्रिया, और फंड रेजिंग भी बहुत अच्छी आप लोगों ने की है। मैं आपको अंदर चलता हूं और आपको जाके दिखाता हूं कि हमने टोटल पैसे कितने किए हैं। सलमान के अकाउंट में आए हैं, सलमान के अकाउंट में हम वैसे फंड रेजिंग के अलावा 1 रुपया नहीं डालते, वो हमने अकाउंट ही सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, कोई भी फंड रेजिंग हो उसी में आती है, हिसाब किताब करना आसान रहता है, जितने के जितने होते हैं सारे उन्हीं के होते हैं, ठीक है। फंड रेजिंग हो चुकी है, 2 दिन हो गए हैं आज, तो मोहम्मद अली की अम्मा को फोन करते हैं, उनको बताते हैं कि रजे फैमिली ने ये नजराना आपके लिए भेजा है, सही ज्यादा कोई सदका खराज नहीं है। मोहम्मद अली की अम्मा को फोन करते हैं, उनको बताते हैं कि रजे फैमिली ने ये नजराना आपके लिए भेजा, सही ज्यादा कोई सदका खराज नहीं है, ये हम सबका प्यार है उसके लिए। चलो वो बाहर ना जा सकेगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ महीनों के इंजेक्शन, उसकी दवाइयां हमारी तरफ से आ जाएंगी, रमजान के महीने में हमारे से भी कुछ नेकी हो जाएगी, तो चलो अल्लाह पाक हमें भी इसी सदके में जो है वो माफ फरमाएगा। और उसके अलावा मैंने भी डाल दिया, बीच में गजल ने भी डाल दिया, जो टोटल अभी मैं फंड आपको
अंदर जाके बताऊंगा उसके अंदर गजल का मेरा और आप सबका मिलाया हुआ है, जिसकी जितनी जितनी हैसियत थी उसने उसमें कंट्रीब्यूट किया। आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अंदर चलते हैं, आपको फंड्स बताते हैं कितने हैं, उसके बाद निकलते हैं अपना व्लॉग आज का अनटोल्ड स्टोरी विद 4 स्पेशल कैरेक्टर्स स्टार्ट करते हैं। ओके आ जाओ जी, आ जाओ आप मेरे साथ साथ ही हो है ना, आ जाओ। कहाँ जाना है? हाँ गजल आप पीतेदार, हर वक्त गजल आप पीतेदार, गजल आप पीतेदार चलेंगे शाम को, ठीक है? अभी चलते हैं। अच्छा चलते हैं, चलो भागो 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 भागो। बिस्मिल्लाह। मामा जी अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल लड़की, क्या हाल है? ठीक बेगम, क्या हाल है बेगम? तुम हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हो। अस्सलाम वालेकुम हाला जी, क्या हाल है? मिनसा लोगों के रोजे खराब कर रही हो, रोजा नहीं रखा तुमने? अच्छा ये रोजा नहीं है, ये कोक है जी, ये कोक है। हाँ जी भट्ट साहिब, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या करवाया आप? वो पैर पे थोड़ी थी ना दर्द, मैंने कहा अभी ठीक नहीं हुआ, बात पड़ने में थोड़ी मुश्किल, स्वेलिंग है थोड़ी। अभी कल मुर्गी वारी है, अब हाथी लाके वार दूं आपसे? हैं नहीं, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूं। मैं कहा हूं हाथी वार दिए ले आके, मुर्गी ना काम नहीं चल रहा भाई। हैं नहीं नहीं चल गया, दिखाओ स्वेलिंग हुई भी है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ना अनटोल्ड स्टोरीज का जो है ना व्लॉग कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा वो ऐसे देख रही है, अनटोल्ड स्टोरीज मतलब कि जो आज से पहले शेयर ना किया हो। चार करेक्टर सेलेक्ट किए हैं, गजल, जहांगीर, हैदर और आप, ठीक है? सबसे पहले जा रहा हूँ जहांगीर की तरफ, वापसी आऊंगा आपकी तरफ, ठीक है? और उससे पहले अभी आप मेरे साथ वहां पर आके बैठे, मोहम्मद अली बच्चा याद है? ठीक है, उसके लिए जो फंड रेजिंग की थी, हाँ उसके लिए जो फंड रेजिंग की थी ना, उसके पैसे इकट्ठे हुए हैं, 2 दिन हो गए हैं, ठीक है? तो मेरा ख्याल है उसकी अम्मा को फोन करके उनसे बैंक अकाउंट मंगवा लें, जो आया हुआ है सलमान बता देगा हमें, इनको भी बता देंगे, आपको भी बता दूंगा, वो उनको ट्रांसफर कर दें, ठीक है? आओ आओ फिर वहां बैठो मेरे साथ आके, कुरान पाक उठा के ऊपर ऊंची जगह पे रख दो, आ जाओ ध्यान से चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो तो सही चलो तो सही आ जाओ सलमान सलमान भाई आई यार जरा अब ऐसे मोहम्मद अली की अम्मी का नंबर मिला के दो बच्चे। अच्छा जी अभी मोहम्मद अली की अम्मा को फोन कर लेते हैं, आई विश कि हम मोहम्मद अली को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक तो अभी वो छोटा है, उसके अलावा स्पेशल चाइल्ड है, हमारी दुआ है कि खैर वाफ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो डायरेक्ट उसको भी फोन किया करें, सलमान साहब आ जाएं, इधर आएं, तशरीफ लेके आएं, ये वो पैसे हैं जो आप लोगों ने भेजे, जो गजल ने डाले, जो मैंने डाले, लमसम अभी तक का जो है वो हमें बता देगा ऐप से देख के कितने पैसे हैं जी। भाई 2000 का अब तक 4 लाख हो गए।4 लाख रुपया है उसकी अम्मा को फोन करते हैं आई विश, और मुझे उम्मीद है कि वो खुश हो जाएंगी। फोन मिलाते हैं, उन्हें बताते हैं इतने पैसे हैं, इससे मोहम्मद अली बाहर तो नहीं जा सकेगा, लेकिन यह है कि कुछ महीनों के जो इंजेक्शन है, हफ्ते के 10,000 के इंजेक्शन लगते हैं, तो चलो इलाज हो सकेगा उसका। बैल जा रही है जी, बैल जा रही है, अगर वो उठा लें उनको बता देते हैं, नहीं उठाएंगे तो चलो कॉल बैक कर लेंगे। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? सर मैं ठीक हूँ, कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र, आपके पास नंबर है मेरा? नंबर बस वो मेरा ख्याल है शायद लिया था, वैसे तो सेफ लिया था। ठीक 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 ठीक, कैसे हैं आप मोहम्मद अली? कैसा है? जी बस वैसे ही है, ठीक है। कैसा रिस्पांस है यूट्यूब का? जी वो तकरीबन कोई 26K हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपको याद होगा कि मैंने फंड रेजिंग की थी आपके लिए, आपको बताया था, अकाउंट लगाया था हमने। जी सर, तो वो कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, मुझे आप काइंडली अपना अकाउंट नंबर सेंड करते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। मैं मेरी माँ जी से बात करवाते हैं। नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं है, बस दुआओं में याद रखें और मेरी आप ही से बात करवा दें अगर हो सकती है तो। वालेकुम सलाम, आप ही, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी, अलहमदुल्ला ठीक ठाक। मैंने अच्छा जी, 2-3 दफा तो वो कह रहे थे कि मैं बात करवाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई मसले वाली बात नहीं है, शहजादा ठीक है? शहजादा बस कुछ नहीं, उसके वही मैंने बताया था ना कि वो जख्म हुआ है ना, बड़े पेशाब अल्लाह पाक से दे। अच्छा मुझे बताएं आपका क्या ख्याल है, कितने पैसे इकट्ठे हुए होंगे जो हमने फंड रेजिंग की है मोहम्मद अली के लिए, कोई आइडिया होगा आपको? भाई अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 4 लाख रुपया हमारे अकाउंट में आया, मैं भाई के अकाउंट में अभी सेंड कर रहा हूँ, तो जितनी देर के भी इंजेक्शन हमारे भाई के हो सके आप काइंडली हमें दुआओं में याद रखिएगा, और जिसने 1 रुपया भी भेजा है, जिसने 100 रुपया भी भेजा है, किसी ने कोई सदका खैरात नहीं भेजा, क्योंकि सबको पता हमारा सही ज्यादा है, ये सबकी तरफ से सिर्फ उस छोटे के बच्चे के लिए तोहफा है,
ठीक है, और सदका जा रही है, इसमें सदका खैरात कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा, गजल का और सारी रजा फैमिली का एक एक रुपया या 100-100 रुपया जिसने जो भी भेजा वो सारा है, 4 लाख रुपया टोटल इकट्ठा हुआ है, ठीक है। मैं भाई के अकाउंट में भेज रहा हूँ, आप अकाउंट टाइटल और मुझे अकाउंट डिटेल्स भेज दें, मैं अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। शुक्रिया, जजाक अल्लाह। नहीं, अभी कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस आप ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर, बस आपने दुआएं बेटा देनी है सबको, बस आपने दुआओं में याद रखना है, दुआओं का रद्दो बदल नहीं है, पैसा जो है ना वो आने जाने वाली दुआएं बस देनी है आपने सबको मेरा बेटा। आपने ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर और रजब गजल, बस दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से मामू बन जाऊं, और तो फिलहाल सारी दुआएं अल्लाह पाक का शुक्र कबूल ही है। थैंक यू सो मच। अम्मा जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सुन रही हैं। मैं ठीक हूँ बेटे, आपने सारे बच्चों के लिए आपसे ये आजादी हो, अल्लाह पाक ने आपको बड़ा नवाजा इस चीज का, आपसे ये आजादी, सबके लिए दुआ मेरी बेटी करना, जिस जिस बच्चे ने आपका साथ दिया, जिस जिस बच्चे ने मान रखा है मेरी जान, आपने सबको दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक सबको बामराद करे, ठीक है। और अल्लाह मेरे मोहम्मद अली को जिंदगी तंदुरुस्ती सलाम दी दे, बहुत ज्यादा दुआएं। मेरी भाई से बात करवाइएगा, भाई अकाउंट टाइटल क्या आएगा आपका, नाम क्या है, किस नाम से अकाउंट है? आजादार इमाम नकवी के नाम से। आजादार इमाम नकवी के नाम से, जी भाई मुझे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको 4 लाख रुपए भेज रहा हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है जी। आजादार इमाम नकवी, आजादार इमाम नकवी के नाम से आएगा, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दूंगा, जैसे ही सलमान अकाउंट आता ना उनको पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ओके राजी बाजी, कोई बात नहीं, बब्बर शेर है मेरा, ओके जी चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। घर से निकल चुके हैं, पहली बात तो ये कि हमने सलमान को अकाउंट नंबर शेयर कर दिया, जैसे ही सलमान उनको अमाउंट भेज देगा हमें स्क्रीनशॉट भेज देगा, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा और उनकी चैट भी दिखा दूंगा, उनका नाम भी दिखा दूंगा। आपको हिसाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने पैसे भेजे हुए हैं, आपको हिसाब देना मेरा बनता है। अच्छा अभी चलते हैं डायरेक्ट बट की तरफ, अनटोल्ड स्टोरी का जो व्लॉग है वो स्टार्ट होगा बट से। चलो जी पहुंच चुके हैं बट साहब की तरफ, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो? आपकी गाड़ी कैसी जा रही है, धूप में खड़ी की हुई है पागल, इसके ऊपर शेड लगवाओ, शेड देखो, अच्छा हाँ कुदरती शेड भाईजान, सुबह सुबह आपके पास हाजिर हुए हैं, सुबह सुबह तो खैर नहीं है, टाइम तो हो रहा है 3 बजे का, लेकिन हमारी सुबह ही है। काम आपसे ये है कि हमने आपसे पूछनी है एक अनटोल्ड स्टोरी जो आज तक आपने व्लॉग में ना कही हो। स्टोरीज तो ऐसी काफी हैं जो आपने व्लॉग में नहीं कही होगी, हजारों किस्से हैं, लेकिन उसमें से आपने एक जो है वो आज सुनाना है व्लॉग में। कोई प्यारी सी लोकेशन बता दें, वहां जाके बैठते हैं, ठीक है, सुना देंगे, आ जाओ। और सुनाने नहीं सुनानी है, कोई बेहुदा नहीं सुनानी, आ जाओ, ठीक है चल। A few moments later. Okay जी, तो हमारे आज के शो में, हमारे आज के व्लॉग में फर्स्ट कंटेस्टेंट है जहांगीर भट्ट। वो इसलिए है क्योंकि मेरा रास्ता ये बनता था, अब वापसी पे हैदर, हैदर से गजल, गजल से भी रम्मा, ठीक है। बट साहब आपको बताएंगे अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि हमारी हजारों कहानियां हैं जो मैं हर व्लॉग में नहीं बता सकता, आप लोग मुझे उतना ही जानते हैं जितना व्लॉग में दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपको कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनाएगा जो आप लोगों ने पहले सुनी भी नहीं होगी और मैंने बताई भी नहीं होगी। बट साहब अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी जो थी हमारी है ना, हाँ जी, वो तो इस ऑन कैमरा बताने वाली तो है। देखा शुरू हो गया ना जो सीधी बात है, स्टोरी सुनाता हूँ मैं इनको जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, छोड़े स्टोरियां तो बोर ना करिए आवाम को, नहीं बोर नहीं होगी। अच्छा हमारी स्टोरीज ना मोस्टली जो है वो कह लो कि थोड़ी सी वल्गर ही है, ठीक है, बच्चों को देखने वाली नहीं है, और मुझे बहुत ह्यूज ऑडियंस है वो बच्चों की देखती है, ठीक है, जो इतना दिल करता ना वो सुना दे। आपको सबसे पहले स्टोरी सुनाता हूँ, एक हमारी मुलाकात कैसी हुई। सबसे पहली स्टोरी, मैं जो उनसा है जिम गया अपने एक दोस्त को मिलने के लिए, वहाँ पे उस दोस्त से मिलने के लिए मैं, तो मुझे वहाँ पे पहले दिन बरसात नजर आए, मैं ट्रेनर था इसी जिम में, शेम करा रहे थे, जो जिम मैंने आज ऑन किया हुआ है उसी जिम में मैं ट्रेनर था, ये वहाँ पर आया था अपने दोस्त को मिलने। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार मुझे भी गेम करनी है, मैं तू आ जा, मैंने भी गेम करनी, मैंने भी गेम करनी, कहता यार आप जिम आ जाओ, मैंने कहा ओके, मैं नहीं गया। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा जिम गया उसी दोस्त को मिलने के लिए, मुझे बढ़ता नजर आ गया, मैंने कहा यार कल से ना मैंने जिम आना है, इस बंदे की बॉडी बनानी, मैंने बॉडी बनानी, मैं इसकी बॉडी देख के जो है ना, ये बाइट जो मेरी आज बन गई है थोड़ी बहुत, मैं वो देख के थोड़ा सा हुआ था, मैंने कहा मैंने भी जिम जाना। जिम के भाई जिन के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वो होते होते हमारी दोस्ती जो है वो इतनी अच्छी हो गई
कि मेरे अब्बा जी फोत हुए हैं 2020 में, 2020 में अब्बा जी फोत हुए, मेरा ख्याल 19 में कहा मैंने गाड़ी ली थी, 19 में मैंने गाड़ी ली, 2020 में मेरे अब्बा जी फोत हो गए। उसके बाद जो मेरी कंपनी थी, दोस्तों में जो मेरा उठना बैठना था वो भाई जिनको पसंद नहीं था, इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ घुमा फिरा करें, कुछ अच्छा नहीं था ना इसका मतलब, जो ये गुड वे में नहीं जा रहा था, कंपनी हमारी भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं है मौलाना साहब के साथ, उसके साथ उससे ज़रा बेहतर थी। मौलाना साहब के साथ तो हम भी नहीं बैठते, ठीक है, हमारी बात किस्मत ये है कि हम नहीं बैठते, लेकिन ये कि इसकी कुछ ओवर लेवल तक जो है ना वो खराब थी। हाँ जी, मैं माफिया था ना। हाँ जी, नहीं मैं दसा की थी, तू दसा। अच्छा चलो दसो। उसके बाद हम लोगों ने 2020 से लेके आज की डेट तक मतलब जो है बीच में हमारा एक 2 साल का गैप रहा जिसमें हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारा ऑन एंड ऑफ हमारा फोन पे रहा होता था, कोई भी काम करना, कोई भी गैप क्यों रहा, क्योंकि भाई शादी कर रहे थे, लव मैरिज, और भाई को मैंने समझाया कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मेरा ये मानना होता है कि यार लड़का फुली इस्टेब्लिश्ड हो, ठीक है, जो लेके आनी है ना उसकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता हो। ये जॉब कर रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको कहा कि यार लव मैरिज है, ठीक है, ओके, भाभी बहुत अच्छी है, हर चीज़ ओके है, लेकिन तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने वाला बन, तब करी। लेकिन इश्क का भूत बस आपको पता ही, आगे लेकिन आप ये भी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने बेबहा नवाजा, अपनी जितनी मेरी औकात है उससे ज्यादा मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सब छोड़ेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, ये सुनाता इस बंदे की स्टोरी, इंतहाई जिद्दी बंदा है ये, इंतहा से ज्यादा, यानी कोई भी काम करना होगा ना बस यूं बस काम कर दें, गाड़ी की मिसाल ले लें, नहीं लेनी थी मैंने भी, मेरा नहीं प्लान नहीं था कि भाई मैं अभी नहीं, मेरा प्लान है ऐसे पिछले 4 महीने तो अभी लेने का प्लान नहीं था ना, तो 15 दिन पहले तक को था लेनी है, लेनी है भाई। हाँ मैं जरा डरपोक बंदे, आप नहीं हो, फिर आ गया जी ईद के बाद, ईद के बाद कहता बड़ी ईद के बाद जानवर लेना, ऐसे ही चीजें तो बनी जाती है ना, लेकिन आप ये पैसे की तरह डरते नहीं है, ये काम करना है कर दो इस काम को, आफ्टर इफेक्ट्स बाद में देखे जाएंगे। बहुत ज्यादा मोटिवेट मुझे इस बंदे ने किया जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली, पहली गाड़ी लेके बेचने से लेके और ये अगली गाड़ी तक इसने मुझे जिंदगी में अखिल 4 के 5 मशवरे दिए हैं, और 5 के 5 मशवरे जो उनसे हैं वो आज मैं इनको दुआएं देता हूँ, जिसमें से 2 मेजर थे, गाड़ी और दूसरा मेरा ऑफिस। हाँ जी, मैंने कहा था मेरे का भाई बड़ी स्टोरी छोड़ना, बड़ी स्टोरी ऑफिस वाली, ऑफिस मैंने अभी नहीं छोड़ना। कितने देर हो गई आपको वहाँ पे जॉब करते हुए? मुझे वहाँ पे जॉब करते हुए मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए थे, 7-8 साल हो गए थे। गुलबर्ग में एक ऑफिस था जहाँ पर ये कंपनी में जॉब करता था, यही ट्रैवल एजेंट का ही जॉब करता था। ट्रैवल एजेंसी में मैंने 7-8 साल मैंने जॉब किया है, जिनके पास मैंने जॉब की है वो जो मेरे बॉस है, जो मेरे ऑनर है, वो भी एक इंतहा अच्छे इंसान है। कोरोना के बीच में जहाँ पे हर बंदा साथ छोड़ गया था, उस बंदे ने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन जॉब जॉब ही है, लेकिन जॉब जॉब ही, नौकरी नौकरी है, आप जो मर्जी कर ले नौकरी नौकरी है। मेरे ख्याल है गालिबन जुलाई में हमने मीटिंग की थी कि यार जुलाई में मैंने अपना, आपने कहा अपना ऑफिस बना, ये कब मैं बताता हूँ, ये काफी देर से प्लान कर रहा था यार मैंने ऑफिस करना, ऑफिस मैं कहा यार करके परा मार, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग शिलॉगिंग कुछ नहीं, अपना काम करते थे हम, घर बना के सेल करते थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था अपने 0 to 0 वाले व्लॉग में, मैंने करके परा मार, व्हाट्सअप ऐसे नहीं होता ना, आप तो कहते हैं सुबह काम किया शाम को डन हो गया, मैंने कहा ऐसे ही होता है, जो काम करना हो सुबह करो शाम को खत्म, ये लोग कहते हैं लटकाई जाओ, नफा नुकसान साथ साथ ही जिंदगी के, क्या सोचना कि क्या होगा, करके परे मारो, अपनी नीयत साफ होनी चाहिए बस, नीयत साफ होने के बावजूद भी मतलब ये भी होना चाहिए इंसान के थोड़ा डर खौफ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार आपने यहाँ से बात की सुबह पूरी कर दो, इंसान के अंदर डर खौफ होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ये इस बिल्कुल ना डर वाला सिस्टम जो होता है ये नहीं होता, डरना नहीं, डरने वाला दिन पैदा ही नहीं होना, ठीक है, डर गए तो आप पिस गए। चलो गल दसो हूँ जी, गल मुकानी है दसो, बात का लुबे लुबाब ये है कि मेरे पास मेरे अब्बा जी के बाद मतलब मेरे जो दोस्त हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, एक दुबई बैठा हुआ और एक भाई मेरा इधर है, ठीक है, ये 2 दोस्त मेरे जिंदगी के बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, जिन्होंने मुझे इतना को मोटिवेट किया है मेरी जिंदगी में कि इसका मैं आपको नहीं बता सकता, जो काम इसने 2-2 साल बाद कर काम मैंने आज से 2 साल बाद करे थे वो काम मैंने 2 साल पहले कर लिए, अपना ऑफिस बनाया हुआ भी। अच्छा मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत कहा, मैंने जॉब छुड़वा के मैंने ऑफिस अगर बनवाया, आज साल ऑलमोस्ट होने वाला जुलाई की 19 को मैंने ऑफिस छोड़ा था, आपको जॉब से बेहतर रिस्पांस आया कि नहीं है? बहुत अच्छा रिस्पांस आया, जाते हो सारा कुछ है, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, और उसके बाद सपोर्टिंग भी बहुत है, मतलब ऑफिस आ गया तो अभी ये वहाँ पर जॉब पे ही बैठा होता तो मेरी आदत है, मेरे साथ जो भी है ना, जैसे हैदर है, ये है, शहबाज है, मैं कहता हूँ यार काम जरा करना करके परे मारो, हैदर भी यूनिवर्सिटी में, उसको यूनिवर्सिटी से निकल लेने दो, ऐसे
इंशाल्लाह। हालांकि उसके बाप उसका भाई सारा कुछ है उसके सर पे, लेकिन मेरा दोस्त है, मेरा जो ना वो हक बनता है कि मैं उसको अच्छा मशवरा दे सकूं। मेरी कोशिश होती है कि यार मेरे साथ जो बैठा हुआ ना वो मेरी तरह ही हो या मेरे से ऊंचा हो, कोई नीचे ना रह जाए यार, ठीक है। तो लब्बो लुबाब यही है कि इनके पास अनटोल्ड स्टोरी बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो ये बताएंगे वो सेंसर हो जाएगी। वो एक है मेरे पास, एक है वो लास्ट बात में खत्म करता हूँ बात को, फिर इसको बंद कर देना। एक होते हैं आपको दोस्त मिलते हैं जो कि आपको मशवरा देते हैं या आपको किसी बाबे सपोर्ट करते हैं। एक होते हैं जैसे भाई ये हैदर और भी मेरे जितने भी दोस्त हैं, ये है मेरी चलती फिरती मार्केटिंग, ये कहीं भी जाएंगे, ये मेरा दोस्त है, ये ट्रैवल एजेंट है, ये दोस्त है, ट्रैवल एजेंट है, ऐसे ही इन लोगों से भी मुझे काफी हद तक जो है वो सपोर्ट मिल जाती है। ओए ओ, सपोर्ट तो बाकी हम लोग समझते ही है, इसका ट्रैवल एजेंट का बिजनेस नहीं है, हमारा है। इसके पास बिजनेस जाएगा नहीं, हमारे पास जाएगा, ठीक है। तो अनटोल्ड स्टोरी इसकी बताने वाली नहीं है, हैदर के पास चलते हैं, अल्लाह करे वो कोई अनटोल्ड स्टोरी बता दे, थोड़ी सी अनसेंसर्ड उसके पास पड़ी हो, ठीक है। इसने तो तारीफों के फूल बांधे हैं। आई हैव अनसेंसर्ड स्टोरीज, आई हैव सो मच अनसेंसर्ड स्टोरीज। तू चुप कर ये गड़बड़े बाबा। इसके पास जो है ना वो कह लो के तारीफों के फूल ही थे। निकलते हैं हैदर के पास जाते हैं। मेरी बात सुनो, जब पानी में डूब गए थे कहाँ पर? खानपुर डैम गया मेरे साथ, मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। खानपुर डैम मेरे साथ गया, जेट स्की पे बैठा, जेट स्की उलट गई, पानी में गिर गया, और मैं यहाँ से भागता हुआ फिर गया, मतलब बड़ा मुश्किल से इसको बचाया। हो भाई ठंडा पानी बहुत था, बहुत ठंडा। बात करो हैदर के पास चलते हैं। अच्छा जी, निकलते निकलते बहुत ही प्यारे से बच्चे हमें मिले हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रज्जब भाई हमें भी व्लॉग में ले लें। क्या नाम है भाई, नाम बताओ जल्दी जल्दी। हरियप आए आए आए, रोजे नहीं रखे तुम लोगों ने? रोजे रखे, क्रिकेट खेल रहे हो? क्या बात है, साड़ी तो मजबूरी है, तुम हमें पागल हो। चलो हैव फन मेरी जान, लव यू। चलो जी ओके भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, होती मुलाकात इंशाल्लाह शाम को, टेक केयर। अच्छा जी, अब चलते हैं हैदर की तरफ। भाई जान, क्या है? ठीक ठाक रेडी है इंटरव्यू के लिए? किधर इंटरव्यू भाई, अनटोल्ड स्टोरीज चल रही हैं, आपको मौका दिया जाएगा एक स्टोरी जो भी आप सुनाना चाहें, जो आज तक हमने व्लॉग में ना सुनाई हो वो सुना दे। सुनाने वाली नहीं है यार, सारा था ही मसला, एक सुना दे, बैठ तो सही, कुछ सोच, एक सोच ले, ठीक है, जो आज तक शेयर ना की हो, आज तक बताई ना हो, ना दोस्ती वाले ब्लॉग में, ना जीरो टू जीरो वाले ब्लॉग में, तेरी और मेरी, ठीक है ना, बैठ। बताने वाले ऐसे कोई नहीं है यार, बैठ, कुछ ना कुछ सोच ला, की हो गया तनु। अच्छा जी हैदर साहब, अनटोल्ड स्टोरीज का व्लॉग चल रहा है। अच्छा। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको जो है वो स्वागत करते हैं, आप हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं, पहले हम भट्ट साहब की तरफ से होके आए हैं, जहांगीर भट्ट की तरफ से, अब आपके पास आए हैं, आपको एक मौका देते हैं, अनटोल्ड स्टोरी जो आज तक ना बताई हो वो शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। वो तो बहुत है अनटोल्ड स्टोरी, तो जो ना बताने वाली है। अच्छा, यहाँ पे तो नाम बताने वाली बहुत है, बताने वाली कोई है एक आधी जो आपको लगता है वाली तो आप शेयर करना चाहें? एक मैं बता देता हूँ, चलो अल्लाह हुई हुई थी, हाँ वो मैं बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग जाते रहते हैं अक्सर रात में जिम के बाद खाना खाने हमारा बाहर का होता है। हम दोनों तब अकेले ही थे, तो हम चले गए जी खाना खाने गुलबर्ग। खाना खा के हम वापस आ रहे हैं, तब हमारे पास गाड़ी थी सिटी, याद है आपको, गुलबर्ग हम खाना खाया था उस जैसे। मनु वाकया दसना की मैं आपको बताता हूँ, भी आगे बताता हूँ। अच्छा। बात सुनो, तो हम खाना खा के हम वापस निकले हैं, तो हमारी एक टसल चल गई गाड़ी के साथ। गाड़ी में कैसे टसल हुई वो हमें टिप्पर मारा, हम उसने हमें हम आगे से मैं बताता हूँ बताओ यार, बिस्ती वाला लोग का कहना सिद्धू मूसे वाले नु मानते हो तो उसी डर के दौड़ गए वो हम दौड़ के। अच्छा हुआ क्या, हमारा कैमरा मैन भी सुन रहा है, हैदर का बड़ा भाई है पीछे बैठा हंस रहा है। हुआ क्या जी मैं बताता हूँ, हुआ ऐसे कि हम लोग ना गुलबर्ग का एक रेस्टोरेंट है, हमने क्या प्रमोशन करी उसका नाम लेके, हम खाना खा के वहां से निकले, हमारे पीछे एक गाड़ी लगी, वो भी सिटी ही थी, हमारी व्हाइट सिटी थी, उसकी ब्लैक सिटी थी, उसने टिप्पर मारे, मैंने टिप्पर मारा, वो भी लड़का था, हम भी लड़के थे, ठीक है, हमारी रेस लग गई गुलबर्ग रोड के ऊपर, रेस लगी 10-12 मिनट हम लोगों ने रेस प्ले की है। अब उससे हम पकड़े नहीं जा रहे थे क्योंकि उसकी गाड़ी थी 1300, मेन बॉलीवुड उसकी थी 1300 सीसी, हमारी थी 1500 सीसी, हम नहीं पकड़े गए, वो कहीं चिड़ खा गया, उसने ना हल्का सा मेरे मिरर के साथ मिरर मार दिया ऐसे ना, वो पूरा मिरर उतरा था, उसने पूरा मिरर ऐसे मार दिया, मैंने उसको शीशे से हाथ निकाला, मैं कहा कि कर रहे हैं रेस कर, ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई, उसने गाड़ी साइड पे लगा ली, गाड़ी साइड पे लगा ली, हम भी चौधरी आगे से मैं गया, मैं जाकर सोचती हूँ 2-4, वो अकेला था, हम दो थे, ठीक है, मैंने उसे 2-4 फेंक दी, अभी हाँ हूं दस की रंगबाजी ला रहे हैं, रेस ला टच क्यों की थी, असि चौधरी बन गए पूरे ना, ठीक है। अच्छा मैंने देखा बाबा ये सिटी, ये अल्टर, ये स्विफ्ट, सामने से उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली, 4 गाड़ियों ने, मैं यह क्यों है,
है तो माफिया सीन ही लग रहा है। मैंने देखा तो पीछे सिटी वाला लगा हुआ, मैं गए आगे कम पे भाई उसके साथ चार गाड़ियों और मैंने, अच्छा मेरा ना दिमाग इस तरह की सिचुएशन में ना काम करता है, ऐसा नहीं होता मेरा दिमाग काम करना छोड़ दे, मैंने फौरन गाड़ी लॉक कर ली ठीक है। तो कम अज कम 9 से 10 लड़के उच्चे थापी मारी हाथ ना दा खोल शीशा खोल भाई की होया भाई हमारे से कम से कम 3-4 इंच ऊंचा होगा, उसने आकर तुम्हारा ठप करता क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा भारी है, मैंने उसको 2-3 चपेटे ही मारी थी, उसका नाक से खून शून निकल रहा है लड़के का ठीक है। पता नहीं उसने कौन सी वायरलेस चलाई या शायद वो लड़के उसके साथ ही होंगे लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होंगे क्योंकि विद इन 5-6 मिनट उसने हमें कैच कर लिया था नहर के ऊपर ठीक है। मैंने कहा दरवाजा खोल, मैं कहा मैं नहीं खोलना देख के अच्छा उन्होंने पूरा इर्द गिर्द ना अहाता बनाया हुआ है, कोई पुलिस नहीं, रात का 1:30-2 बजे का टाइम था। अब उस टाइम पे ये दिमाग नहीं काम किया कि पुलिस को फोन कर ले क्या हुआ, मैंने उसे मैं कहा यार अच्छा मैं खोल ना साइड से तो वो साइड से तो वो, जब मैंने देखा ना 2 मिनट सिचुएशन जो है वो हैंडल नहीं हो रही, मैंने क्या किया मैंने गियर लगाया, एक लड़का आगे था और फुटपाथ के साथ सिर्फ इतनी सी जगह थी गाड़ी निकलने की, मैंने गाड़ी खींच दी ठीक है। उन्होंने भाई जान हाँ हल्की सी ना गाड़ी टचिंग हो गई थी, स्विफ्ट थी या ऑटो थी उसके साथ गाड़ी चलती टच हुई मेरी और गाड़ी निकल गई। हमारे सांस में सांस आए मैं वो निकले इतने कम पैकेट निकले भाई भाग गए ठोकर पे आगे पहली ब्रेक लगाई, फिर आगे जब हमारे सांस में जब ठोकर आ गए ना फिर हम इजी हो गई हमारी जगह आ गई है कोई टेंशन नहीं। अब 4 गाड़ियां छोड़ के 40 गाड़ियां भी आ जाए ना फिर परवाह नहीं, यहाँ पर हमारे अपने भी साई हैं साथ कोई टेंशन नहीं ठीक है। फिर हमने गाड़ी रोकी अपने एक जिम के सामने आके, थोड़ा सा जिम से पीछे गाड़ी रोकी, ऐसे करके सांस लिए कहते हो मारो तुम चपेटा, मैं कहता तू कह रहा था हाँ बाहर गड्डी किसान टच की दबके मार रहे थे दबके मार रहे थे मैं अभी चपेटा मार रहे ठीक है। उसने फिर मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उसको मेरा कहीं नाम शाम पता लग गया होगा, ये ले रहा था रजब ले रहा था या कुछ कह रहा था ऐसे ना, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आज तो बच गए, मैं देखता हूँ कब तक बचते हो, इन चपेटों का मैं हिसाब लूंगा। खैर मैं इंतजार ही कर रहा हूँ, इतनी देर गई नहीं, अगला डेढ़ महीना गुलमर्ग ही नहीं गए, उसके बाद जब गए फिर मतलब वो बोल चुल गया, अगर वो भाई मेरा पैगाम सुन रहा है मेरी जान माजरत यार, हम लोग उस टाइम बच्चे थे। हाँ, लेकिन आपने गलत किया, आपने गाड़ी के साथ जो गाड़ी लगाई वो गलत है, रेस लगा रहे हो रेस लगाओ, वैसे तो रेस लगाना भी गलत है लेकिन आपने टचिंग जो की रेस खा गए थे, टचिंग रेस कर रहे थे आप रेस खा गए थे ठीक है ना, तो आपने टचिंग की वो गलत किया, मैंने आपको मारा वो गलत हुआ, तनु किस्सा कोई हो रही थी लब्बा, इससे पता क्या जस्टिफाई होता है, क्या होता है कि हम भाग गए डर के, वैसे उस टाइम पे भाग नहीं बनता था, भाग नहीं बनता भाई, घर का शेर घर का ही होता है, हम जब उधर आए ठोकर पे आए तब हमने कहा था कि हम भी नहीं, हम वहां पर भी शेर होते अगर हमारे साथ भी 3-4 गाड़ियां होती, 4 गाड़ियां 2-4 लड़के भी और होते हम लड़ लेते, हूँ एडे एडे बड़े हत्थां वाले भाई जेडे इंजन कर रहे हैं होते बाहर जाके मुंह से जाना थी अपना, ये जी एक अनटोल्ड स्टोरी ये भी है और भी बहुत और भी बड़ी दादियां हैं बहुत हैं और भी, लेकिन एक तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और दूसरी बात ये कि बच्चे बहुत व्लॉग देखते हैं तो स्टोरी बताने वाली नहीं है, तुम्हारा हीरो है इसको हीरो वाली गल है, लेकिन है कि वो अब दोस्तों के बीच में 100 ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं बताने वाली ठीक है ना, तो बच्चों को हम वो जो है ना लेसन नहीं देंगे उस तरफ हम नहीं लेके जाएंगे ठीक है। ये हो गया हैदर का, अभी चलते हैं गजल की तरफ, पायल कोई हॉर स्टोरी तो नहीं है, हॉर स्टोरी है नहीं, वो चुप कर दे तू ना दस ना दस बंद कर दे भाई चलो। अच्छा जी गजल की तरफ हमने छापा ही मारना है, जाके उसको बताएंगे, अभी मैंने उसको फोन शोन नहीं किया, उम्मीद है मुझे उठ गई होगी, रमजान चल रहा है अल्लाह खैर करे, जाके उसको बताएंगे भाई जान अनटोल्ड स्टोरी का कोई एक हमें किस्सा सुना दे, अल्लाह करे कोई अच्छा किस्सा ही सुनाए वो भी। चलो साहेब अनटोल्ड स्टोरीज का व्लॉग चल रहा है, आप तीसरे कंटेस्टेंट हैं, पहले हम गए जहांगीर भट्ट के पास, फिर हम गए हैदर के पास, अब हम आपके पास आए हैं, सरप्राइज दिया आपको ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आप, मुझे बताएं कि आपने एक अनटोल्ड स्टोरी बतानी है जो आपने आज तक ना अपने व्लॉग में ना मेरे व्लॉग में शेयर की हो, वो कोई भी हो सकती है, मैं सेंसर नहीं करूंगा ठीक है, मैं कट कट या नहीं करूंगा, जो आपका दिल करता है आप वो सुना सकते हैं, मैं आपको खुली छूट देता हूँ आज ठीक है, आपकी और मेरी हाँ हम दोनों हो, हमारा कोई इंसिडेंट हो जो आपने पहले शेयर नहीं किया हो वो आपने शेयर करना है हमारी रजत फैमिली के ऑडियंस के साथ, गजल जवाद फैमिली जो है वो भी देख लेगी इसी में, क्या स्टोरी सुनाऊंगा, एनीथिंग आपको खुली छूट है, जो आपका एक किस्सा है मेरे पास जो कि मैंने कभी सुनाया नहीं है ना अपने व्लॉग में ना आपके व्लॉग में, बट मैं उन्हें जवाब को बताया तो मुझे कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए बुरी बात होती है, इफ यू रिमेम्बर यूनिवर्सिटी माई यूनिवर्सिटी बैचलर्स
वो यूनिवर्सिटी में जो एक स्टोरी हुई थी, एक मेरी वाली स्टोरी हुई थी, वो जो एक छेड़ा छेड़ी वाली स्टोरी हुई थी। क्या मतलब एग्जैक्ट ना बताइए, अभी अनटोल्ड स्टोरी है, एग्जैक्ट ही जाएगी। चलो दसो। अच्छा, इसको याद यही था ना इसलिए बता रही है। और बहुत किस्से हैं, बहुत सारे किस्से हैं हमारे। हमारा बॉन्ड शुरू से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों वाला ज्यादा है, बहन भाइयों वाला कम है, तो बहुत सारे किस्से हैं। मगर ये बड़ा एक फनी किस्सा है। फनी तो नहीं है, खैर मेरा थोड़ा सा दिमाग चलता था तो मैंने किया, अदरवाइज है बेवकूफी। चलो बताओ। अच्छा, अब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना। हाँ, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगी। यूनिवर्सिटी जाती थी, ये बता देती हूँ, बैचलर्स कर रही थी तब, मास्टर्स चार से पांच साल पहले की बात है। हाँ, चार साढ़े चार पांच साल पहले की बात है। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, मुझे वहां पर ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने कम और छेड़ा छाड़ी करने ज्यादा आते हैं, पूंडी करने आते हैं। सिंपल लग लो। आओ, वो एक बंदा ना मुझे तंग करता था बहुत ज्यादा। बंदा या बच्चा ही था, मतलब इसकी क्लास का ही होगा, इससे एक दो साल बड़ा। हाँ, मतलब मेरे डिपार्टमेंट का नहीं था, डिफरेंट डिपार्टमेंट का था, मगर था मेरे ही सेमेस्टर्स का ना। तो वो जितने पिंडों नहीं आते, पिंडा चो आते लाहौर, मतलब हालांकि पिंड वालों को हमसे ज्यादा शौर है। हाँ, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, हमसे ज्यादा वो पक्के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बीच में गंदे कीड़े जो कि शहर में भी हैं और गांव में भी होते हैं, वो आते हैं। इसलिए डिग्री लगी ना लगी, असली शहर उन्होंने लेके जानी है, तो वो उनमें से एक था। खैर, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि उसने मुझे ना ऐसे ही थोड़ा बहुत तंग तुंग करना, कि थोड़ा बहुत तंग नहीं, वो आपको प्रपोज करता था। हाँ, मतलब यही, मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। हाँ, मुझे नहीं, रिलेशनशिप नहीं रखना, मुझे रिश्ता भेजना है। गजल, क्या हाल है, ये वो सारा बड़ा तंग उसने करना। मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब किसी ने रिश्ता भेजना होता है ना, वो इस तरह चार दोस्तों में खड़े होकर बकवास नहीं करते। वो डायरेक्ट मेरे पास आता, जबकि मैंने अपनी बहन की जब शादी की थी, मैंने उसे पूछा था कि भाई अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम बता दो, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं सेटिस्फाइड हो गया, मैं शादी कर दूंगा, अगर नहीं तो फिर मुझे देखने दो। शी सेड के नहीं, आपने देखना, आपका राइट है, मैंने किया, ठीक है। उसके लक्षण जो थे ना, वो रिश्ते रुश्ते वाले नहीं थे, वो ड्रामे वाली कर रहा था। असली वैसे दुनिया बड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी गए या नहीं गए, लेकिन पता हर चीज कही है, टीटो पार्टियां लगा रहा था, टीटो पार्टियां ला रहा। खैर, अच्छा, तो मैं ना बड़ी डिस्टर्ब रहती थी, तो एक दिन ऐसे ही वन फाइन मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो, मैं ना ऐसे चुप करके बैठी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप पढ़ने गए हो वहां पे, आप पढ़ते हो या कुछ भी, आप अपने दोस्तों के साथ फन कर रहे हो कुछ भी, तो वो बड़ा अजीब सा एक ना वो सिचुएशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है। डिस्टर्ब ही थी। हाँ, नाश्ते के टेबल पे बैठी हुई, तो खामोश मैं उसको देख रहा था। मैं तब जॉब भी करता था, मेरा अपना काम भी था, ठीक है, जिम में मैं जॉब करता था शाम को, सुबह टाइम हमारा अपना काम था, कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, घर बना के सेल करते थे। अच्छा, खैर, तो मैंने ऐसे चुप बैठी हुई, जो मैंने पूछा, हाँ जी की होया, क्या हुआ, तो मैंने ऐसे कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो मैं उठा के नीचे ले गया गाड़ी में, मुझे पता लग गया था कि बात है कोई, मैंने अवॉइड करने की कोशिश की, जब मैंने नहीं करने दिया, नहीं नहीं मुझे बताओ क्या हुआ है। अब मम्मा पापा भी बैठे हुए थे। अब हमारी मोस्टली रज भाई की मेरी आदत है कि हमने कभी भी कोई किसी भी काम में जब कोई मसला हो या कुछ भी, तो जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक माँ बाप के साथ शेयर नहीं किया, परेशान नहीं जब वो, हाँ, क्योंकि वो परेशान जल्दी हो जाते हैं, तो हम अपना पहले मसला सॉर्ट आउट एक दूसरे के साथ करके, बात सॉर्ट आउट करके फिर उनके पास जाते हैं। खैर, हम लोग नीचे गए, रजवी मुझे नीचे ले गए गाड़ी में, तो मुझे आया कहता, हाँ जी हूं दसो की होया, मैंने ना हिचकिचाते हुए मैंने बता दिया, सारी बात खोल दी। हाँ, मैं डिस्टर्ब हो रही थी। हाँ, मैं ना बड़ी शदीद आवाज आ रही जाती हूँ, क्योंकि मेरा ना मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने इतनी दफा उसको मना किया है और सारा कुछ बोला है कि मत करो ऐसे, नहीं करो, इट्स नॉट गुड, रिये वो फलाना टमकाना, मगर वो नहीं सुनता। मैंने खैर रज भाई को निटी ग्रिटी डिटेल्स तक ना सारा कुछ बता दिया। अब भट्ट साहब ना मुझे यूनिवर्सिटी माइंडेड, रज भाई मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं जाते थे, ठीक है, क्योंकि इनका अपना काम होता था, तो बाबा के साथ जाती थी पे। हाँ, बाबा के साथ जाती थी मैं बाइक पे, ठीक है। अब ना उस दिन मुझे रज भाई खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गए, और जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स गेट के सामने लगाई ना, लेकिन उससे पहले मैं सारा रास्ता आपका माइंड वॉश करता रहा था, ब्रेन वॉश मेरा करते रहे कि ऐसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मुझे अपने पट्टे का पता है, और सारा कुछ पड़ा ना एक वो ब्रेन वॉश करता हुआ मुझे लेके गया यूनिवर्सिटी। अब हमारी यूनिवर्सिटी का रास्ता था 20-25 मिनट का। वहां पहुंच के ना रज भाई ने ना, मैं बैठी हुई पैसेंजर सीट पे, रज भाई ने ना वो डैशबोर्ड खोला, अंदर से निकाली पिस्टल, वो थी ना इतनी सी ब्लैक कलर की पिस्टल, हाँ पिस्टल थी, वो निकाल के रज भाई ने मेरी गोदी में रखी। मैंने ना देखा, मैंने कहा ये क्या है।
मुझे कहता है बैग में रख साथ ले जा। मैंने कहा क्या मतलब साथ ले जाओ, क्या करना इसका? मैंने कहता है कुछ नहीं, सेल्फ डिफेंस, साथ ले जा। मैंने सोचा, मैं तूने कुछ नहीं करना, जब तुझे लगे कि वो फिर आ रहा है, वो तुझे तंग करेगा, तूने सिर्फ बैग से निकाल लेना। डेट हाँ, आगे ये सारा कुछ खुद कर लेगा, ये मौत का काल है, ये सारा कुछ आगे खुद कर लेगा, तुमने सिर्फ ले जाना। हाँ, और ये बेवकूफी है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, हम तब छोटे थे थोड़ा। मेरे पास पिस्टल क्यों होता था जी? रज्जू भाई के पास पिस्टल इसलिए होता था क्योंकि रज्जू भाई का सारा काम कैश का होता था। हम लोग घर बनाते थे, सेल करते थे, ट्रालियां दी पेमेंट, सीमेंट दी पेमेंट, लटरम पटरम, सब इन्वेस्टर से पैसे। हम बैंक के थ्रू बहुत कम काम करते थे, सारा दिन पैसे लेके आने, पैसे देके आने, गाड़ी की सीट के नीचे। जैसे आप लोगों ने गाड़ी वाला सीन देखा, जब हमने गाड़ी परचेज किया 19-20 लाख रुपए सीट के नीचे पड़ा था ना। अब नहीं करते रज्जू भाई काम, हमने मना किया। हाँ जी, मुझे ये आदत वहीं से पड़ी हुई है, मैं कैश ऐसे ही लेके निकल को जाता था। तो मैंने अपना परमानेंट वाला पिस्टल अपने पास रखा हुआ था और अम्मा को शदीद चिढ़ी इस चीज से, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी था। मम्मा कभी अगर कभी देख भी लेना कि ये पड़ा हुआ, तो मम्मा कहती थी परा कर दे, मतलब मम्मा को शदीद नफरत थी। हाँ, सब दे मुँह वाला। खैर, रज्जू ने यहाँ पे पिस्टल रखी, अब बहन आपकी ने पिस्टल उठाई बैग के अंदर। ये उस बात का इंपैक्ट था जो इसको 20-25 मिनट रस्ते में वेट लॉस का करता रहा ना, वो ये समझ गई थी, इसने डाला बैग में, ये ले गई। मैंने बैग में डाला पिस्टल, मैं अब हम लोग अंदर चले गए। मेरी ना यूनिवर्सिटी के गार्ड्स वगैरह से बहुत भनती होती थी, क्योंकि आई यूज टू बी अ काइंड पर्सन, तो वो जो गार्ड होते थे ना, मुझे बच्चा बच्चा करके बुलाते होते थे। मेरा बैग भी चेक नहीं होता था, मेरा कभी बैग भी चेक नहीं होता था, क्योंकि वो अंकल और एक आंटी होती थी, एक अंकल होते थे, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं उन्हें कभी लंच करा देना, कभी कुछ करा देना, कभी पैसे दे देने, तो वो ना ऐसे करते थे कि बट साहब आ गए होते, लंच जाओ, तो मैं गुजर जाती होती थी। अच्छा, खैर, हम लोग अंदर चले गए। तीन क्लासेस खत्म हुई हम लोग ना, अब ब्रेक आता था बीच में कोई घंटे डेढ़ घंटे का, वो ब्रेक आया क्लासेस के दरमियान में। अब हम लोग बैठे हुए हैं बाहर, हमारी ना यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा ग्राउंड होता था, ग्राउंड के बिल्कुल एंड पे हम लोग बैठते थे, हमारा अड्डा होता था, वो 9 लड़कियों का अड्डा था। वो हम लोग जाके बैठ गए। अब ना मैंने दूर से उसको आते हुए देखा, दोबारा वो आ रहा है ना, मेरी तरफ ही देख ही जा रहा है और आ रहा है, तो पास आया ना, तो उसने मुझे फिर पूछा, हाय गजल, कैसी हो, क्या हाल चाल है? तो मैंने जवाब नहीं दिया इतना खास। उसने ना मुझे फिर तंग करने की कोशिश की, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बैग खोला और बैग में से पिस्टल निकाल के बैग के ऊपर रख दिया ऐसे हाथ रख के। उसने, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लिटरली उसने सिर्फ पिस्टल देखा है और वो ऐसे उल्टे पैर भाग गए कि जैसे मुझे कभी नजर ही ना आया हो। वो कहता है ये क्या कह के फौरन पीछे भागे वापस। बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कभी नजर आया? और नहीं, उसके बाद मुझे कभी नजर नहीं, अगर वो मुझे कहीं इधर उधर कॉरिडोर में चलता नजर आ भी जाता था, तो नजर नीचे करके गुजर जाता। अच्छा, इसकी जो बैक स्टोरी है ना, इसकी बैक स्टोरी ये थी कि ना, मैंने जब इसको पिस्टल दिया था ना, इतनी सेंसिटिव में मैं था कि मैंने उसके अंदर कोई राउंड नहीं था रखा हुआ, गोलियां नहीं थी, ठीक है, सिर्फ मैगजीन लगा हुआ था और वो लॉक था, ठीक है। अगर इसका दिमाग इस तरह का कुछ होता भी, तो ये ना फायर कर सकती थी ना कुछ, खाली था, उसमें राउंड नहीं थे, ठीक है, गोलियां नहीं थी, खाली पिस्टल था। और ये मैंने इसको बाद में बताया, इसकी 3:30-4 बजे क्लासेस खत्म हुई, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं इसको लेके गया, ठीक है। और ये स्टोरी आज तक मम्मा को नहीं पता, ठीक है, 4.5 साल इस चीज को हो गए हैं, अम्मा को नहीं पता। अब पता लगेगा, जितिया बहनियां चार दादा बहन गए, तनु होर को किसान से मिले, तनु यही मिले। ये बड़ा एक्सक्लूसिव किस्सा है हमारा, जो आज तक या उस लड़के को पता है या इनको पता है, या फिर वो जो 8 लड़कियां इसके उनको पता है। गजल जी कहां से आया तुम्हारे पास? वो सारी जगह मैं अब उन, वो पहले भी बड़ा फैसिनेट होती थी कि अब ऑब्वियसली हर भाई के डिफरेंट एक अपनी बहन के साथ बॉन्डिंग होती है, रज्जू भाई की और मेरी बहुत डिफरेंट तरह की थी, तो वो शुरू से बड़ा फैसिनेट करती थी, ये कहां से आया? मैंने कहा रज्जू ने दिया। मुझे कहती है यार पता नहीं, तो तुझे पहन पर मेरी मजबूरी थी उस टाइम पे कैश की वजह से, और अब मजबूरी है हासदीन की वजह से। तो आप लोग बिल्कुल जो है ना, वो इस चीज का ना साथ दें, ना इसको मेरी तरफ से अपने ऊपर हावी करें, ठीक है, ये बहुत गलत चीज है। बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा तुसी जड़ा ना अनटोल्ड स्टोरी सुनाई है। मगर मैं फिर भी, जितने भाई देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपनी बहनों को ये ना करें जो भी जो हम लोगों ने किया था, बट अपनी बहनों को कॉन्फिडेंस दें कि भाई कुछ नहीं होता, तुम जाओ, तुम निकलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जब आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को घर से हर चीज दिखा के भेजते हैं, तो उसको किसी और के शोल्डर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आप खुद उसको हर जगह फन करवा रहे हैं, मूवीज में लेके जा रहे हैं, रोका टोकी बिला वजह की नहीं है, एक लिमिटेशंस में रह के, फिर वो इधर उधर नहीं देखते, वो अपने बाप में, अपने भाई में और एट द एंड अपने शोहर में ही अपनी हर चीज देखते हैं। तो ये थी जी हमारी तीसरी अनटोल्ड स्टोरी। अब चलते हैं घर अम्मा की तरफ।
अच्छा जी अम्मा को नाराज करके हम निकले क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है। अम्मा कह रही थी कि इफ्तारी करके जाओ, मैंने कहा जी नहीं इफ्तारी घर जाके कर रही है, घर जाके इफ्तारी करेंगे और आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट जो हमने सेंड कर दिया और उनकी जो खूबसूरत दुआएं आई हैं वो भी आपको सुनाएंगे। इफ्तारी करने के बाद अम्मा को लेके बैठेंगे, लास्ट करेक्टर है अम्मा का। आई नो व्लॉग लंबा हो गया लेकिन मैं क्या करूं, दिखा रहा तो था ना, किसी का भी हम जो स्टोरी है वो बीच में कट नहीं कर सकते थे। जाके अम्मा की स्टोरी सुनेंगे उसके बाद व्लॉग को एंड करें। मजदूरियां कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कितना टाइम रह गया इफ्तारी में? इफ्तारी में रह गए हैं जी सिर्फ 7 से 8 मिनट। आ जाओ चलो चलो बैठो इफ्तारी करके फिर अम्मा वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी 7-8 मिनट है अभी इफ्तारी में, मैं आपको हिसाब तो देता हूँ। ये रहा जी मोहम्मद अली के बाबा का नंबर, ये उनका अकाउंट नंबर आ गया। मैं अकाउंट नंबर इसलिए हाइड कर रहा हूँ कि मिस यूज भी हो सकता है, ठीक है। और ये आ गया स्क्रीन शॉट, ये देख लें जी, ये 4 लाख रुपया उनको सेंड हो गया और इनका नाम कहाँ लिखा आ रहा है, ये आ गया अजादार इमाम जो उन्होंने अपना नाम बताया था। ये दोपहर को सलमान ने सेंड कर दिया था, ये उसकी मम्मा का मैसेज आया। जी अस्सलाम वालेकुम, रबी मैं मदनी का बाबा बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। कोई भी आजकल के ज़माने में किसके लिए काम करता है। अच्छा जी, ये उसके बाबा का मैसेज था और यही था, दुआएं दे रहे थे, ठीक है। अभी ना मेरे अंदर से ना हिम्मत खत्म हो गई है, बोला नहीं जा रहा मेरे से। 6:22 हो रहे हैं और आई थिंक आज 30 पे या 29 पे वह इफ्तार होगा, इफ्तारी कर लेते हैं। और ये दुआएं सिर्फ मेरे लिए हैं, मैंने उन्हें कहा है कि दुआओं में याद रखिएगा ईच एंड एवरी सिंगल सब्सक्राइबर को, जिसने रुपया भी भेजा, जिसने 50,000 भी भेजा, सबको दुआओं में याद रखेंगे। जो नहीं भेज सके तो अगले कोई ऐसा केस आएगा हम फिर उनकी मदद करेंगे, उनकी दफा कर दीजिएगा। इफ्तारी करते हैं फिर अम्मा का जो हमारा है अनटोल्ड स्टोरी वो सुनते हैं। A few minutes later. अल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद वजल फजा मजीद। व्हाट्सएप किधर है? चलो इन्नी लकसम तु बबिका मन तु वालेका तवक्कल तु वाला रिस्के का अफ्तर। अच्छा जी इफ्तार हो गया, हैदर साहब भी आ गए हैं, इनकी इफ्तारी नहीं होती मेरे बगैर। और ये कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो फैमिली मेम्बर्स हमारे घर के बाहर खड़े थे, तो मैंने कहा जी आप आ जाएं, आप इफ्तारी करके फिर जाइए। और लाओ भी लाओ, आज पानी दे दो पहले, आज पहले पानी दे दो। इसमें लाओ बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने लो। भट्ट साहब उधर ही बैठ जाओ, टेबल लगा देता है वैस वहीं पे, उधर ही बैठ जाओ। आ जाओ, आपने खाया सारा दिन का कुछ नहीं हुआ तो आपको वॉशरूम कैसे आ गया? खाया तो कुछ है नहीं, वुदू करने गए हैं। हैं? ओके सॉरी ब्रो, सॉरी लड़ते क्यों यार। अच्छा जी इफ्तारी वगैरह कर ली है, ठीक है जी इफ्तारी हो गई। ओके काके बहुत प्यारे हो आप माशाल्लाह गोले मोले से। ये जी इनके चैनल का नाम है अलीना फूड के नाम से, और माँ और बेटी दोनों मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है इनको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि इनकी जो जरूरियात है वो अपनी पूरी कर सकें और अपने व्लॉग मजीद बेहतर से बेहतर कर सकें, ठीक है बच्चे। खैर से जाओ, शाम हो रही है, आपने काफी दूर जाना मेरा ख्याल है। ओके जी हमारा जो फाइनल कंटेस्टेंट है वो है भट्ट साहेब। क्या हुआ अब यहाँ पर, तो दर्द नहीं होती मम्मा? पता नहीं पूरे जिस्म में दर्द हो रही, गिरी जो दमक पड़ती दमक। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी अम्मा हमारी फाइनल कंटेस्टेंट है। मम्मा जी 4 स्टोरीज मैंने आज सुनाई है, 3 सुना दी है, चौथी आपकी है अनटोल्ड, जो पहले ना शेयर की हो, जो आपका मेरे साथ कोई ऐसा किस्सा है जो हमने पहले इंटरनेट पे नहीं शेयर किया हुआ, अपने चैनल के ऊपर नहीं बताया हुआ या किसी और के भी चैनल पे नहीं बताया हुआ, वो आपने शेयर करना। कोई भी एक जो आपको याद है, फनी इमोशनल लड़ाई झगड़ा जो भी, जो आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस तक पता लगे। हाँ मैं चाहती हूँ मेरे एक है ऐसा किस्सा जिससे मेरे बच्चों को बड़ा हौसला मिलेगा, ये हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा। मेहनत करनी है। मेरा था कुछ 14 साल का, तो उन दिनों में ना मेरे माशाल्लाह मेरे जो मैं ददियाल में मेरे दादा अबू माशाल्लाह हम लोग बहुत ठीक ठाक थे, अल्लाह का बड़ा करम था। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, मेरे नाना बू फिर मेरे मामू फैक्ट्री थी अपनी, मेरे नाना बू जर्मनी में थे, यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा नाम था उनका, हुजरी लाइन में फैक्ट्री में वेल सेटल्ड फैमिली से थी अम्मा। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ साहब कुवैत में थे, मेरे बड़े भाई जो जेठ मेरे थे वो कुवैत में थे, वो भी ठीक थे अल्लाह का शुक्र है। फिर कुछ वक्त इंसान को ऐसा आ जाता कोई मसला नहीं, आया वक्त ऐसा के सब खत्म, सब खत्म हो गया। ननिहाल साइड से नहीं, ददियाल साइड से, मेरे ददियाल साइड से, मेरे ददियाल साइड से बाबा भी और मेरे तायाबू भी जॉब छोड़ के कुवैत से पाकिस्तान आ गए थे, और काफी काम जो है यहाँ पर खराब हो गया था पाकिस्तान आने के बाद। देर से हुआ काफी टाइम, हम लोग बस ये थोड़ा ही ऐसा था जो हम लोगों का कुछ ज्यादा ही कैसे में मेरे भाइयों का हुआ, तो सरवाइव किया शुक्र अल्लाह का। मैंने उन दिनों में मैंने डिप्लोमा किया होता सिलाई का,
मैंने डिप्लोमा किया, मैंने फिर अपने शोहर का साथ देने के लिए मैंने उस लाइफ शुरू की। मैंने कहा अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए कुछ तो करना था ना। अब कपड़े सीना शुरू किया मेरी एक बहुत अच्छी दो, अल्लाह का शुक्र जितने लोगों का मैंने। आप किसा कौन सा सुनाने लगे? आपको पता है नहीं, वो नहीं सुनाना। नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। मैंने ना कोई और सुना दो। जितनी मेरी चंद दोस्त थी ना, जो मेरे दायरे में थी, जिनकी मैं सिलाई कपड़े उनको करके देती थी। एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, बड़ी थी मुझसे, बड़ी मुझे वो मोटिवेशन देती थी कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। पढ़ी लिखी औरत थी काफी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने ना उनके कपड़े सिलाई किए, मेरा बना 900 रुपया उस दौर में। जब अम्मा को सिलाई करते हुए कम से कम चार पांच साल हो चुके थे। तो वो बना मेरा 900 रुपया उसके पास। मेरे पास उस दिन पैसे कोई नहीं थे, बट साहब आए को ऐसे ये सेट ही नहीं हो पा रहे थे। इनको भाइयों के पास ही, ये मेरे भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने किया, तो उधर से भी सारा काम हुआ खराब जब हुआ। मैं बड़ी परेशान हूँ क्या करूँ। मैंने कहा भी मुझे अब उसको मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन ही उठाया। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ पैसे लेने। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मैंने इसको लिया साथ, मौसम बड़ा खराब था, पास पास ही रहते हम लोग, निश्चर से हम लोग निकल आए थे, यहीं करीब करीब में ही हम इधर ही थे हम लोग, और मौसम काफी खराब, बड़ा खराब मौसम। तो मैंने मेरी जाना मजबूरी, मेरे बच्चों को पैसों की जरूरत थी मुझे, तो मैंने जाने था। मौसम बड़ा खराब, नाश्ते के लिए पैसे नहीं थे घर पे, सुबह नाश्ता करना था। निकलो, मैंने इसको साथ लिया तो मैं निकले। बारिश इतनी हुई, शदीद बारिश के हमें ना वो पानी हमारा जहाँ पे हम लोग रह रहे ना वहाँ पे पानी बड़ी जल्दी इकट्ठा। एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरा ख्याल है मैं 14 साल का नहीं था, 14-15 इससे बड़े नहीं थे आप, 14-15-16 साल का था, इससे छोटे। मम्मा ने कहा चल पैसे लेके आने। मैंने कहा चलो। रात का टाइम था, शाम 5-6 बजे का। हाँ 5-6 बजे का टाइम था। हम लोग निकले हैं तो पानी बड़ा था वहाँ पे, तो बाइक हमारी तो पानी घुस गया। हमने उसको साइड के जो बाइकर बॉय थे उनको पता होगा जब बारिश होती है ना। हाँ, बारिश होती है, तो की शलाग में पानी चला जाता है, बाइक बंद हो जाती है। तो इसने हमने ना बाइक में बैठे बाइक साइड पे लगा दी, चल के जाते करीब रामनगर। इतना पानी था कसम से, आप यकीन मानो कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये गटर का पानी है कि बारिश का पानी, सब चीज मिक्स हुई पड़ी थी। अल्लाह का नाम लेके पाँव रखती है, कुछ पता नहीं गटर में पाँव चला जाता क्या बनता। हम लोग माँ बेटा चल के उनके घर पहुंचे हैं, बारिश हुई थी बड़ी, जाके उनसे बात की, उनको मिली हूँ तो उन्होंने बिठाया तो उनकी अम्मा बीमार थी बहुत ज्यादा, उन्होंने बोदर ही नहीं किया। और मुझे कहने में बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं सुखों को मुझे पैसे दो, मेरी अच्छी से सलाम दुआ थी मुझे पैसे दो। एंड में मैंने कह ही दिया, मेरी मजबूरी थी। मैंने कहा मुझे ना पैसे चाहिए, कहते हुए अब जितने मैं कटवाए नहीं अले बैंक जो पैसे, चल अच्छा मेरे को 100 रुपया तो ला जा। यकीन करो मेरा बेटा, मैंने मन तो मुरादों से बेटा लिया, और हम लोगों ने इतनी ये गुर्बत देखी नहीं थी। मेरा बेटा बाहर ऐसे बैठा जैसे पता नहीं कोई यतीम मस्कीन बैठे होते हैं, उनके बाहर थड़े पे बैठा हुआ, उनके भाई थड़े पे बैठा हुआ उनके। तो मैं अंदर जब मैं बाहर निकली 100 रुपया लेके, मेरा अंदर दिल रो रहा था कि मैं क्यों आई इतनी बारिश में, इतने बुरे हालात में, कि कोई समझ नहीं आई थी कि ये गटरों का पानी है, नालियों का पानी है कि बारिश का पानी, इतना सब कुछ मिक्स हुआ पड़ा। और मेरा बेटा बाहर ऐसे बैठा हुआ, बारिश हो रही थी बाहर, और मैंने इतनी मन तो मुरादों से लिया हुआ मेरा बच्चा कि मेरा दिल निकल गया। आधा आधा किलोमीटर का सफर तो होगा, बाइक खड़ी कर दी थी, उसके बाद मैंने हाथ इनका पकड़ लिया कि कहीं कोई गटर वगैरह ना हो। जाना भी जरूरी था, सुबह गजल ने भी स्कूल जाना था, कॉलेज जाना था, जो भी उस टाइम पे थी एग्जैक्ट नहीं याद। अब जब मैं बाहर निकली ना, मैंने इसको बैठे देखा ना, फिर मेरे बड़े दिल को कुछ हुआ कि लबा किस तरह का टाइम किसी पे ना आए। अच्छा हुआ, मैं इतनी आस में लगा के मेरे पैसे मुझे दे देगी। आधा किलोमीटर कम से कम हम चल के गए, मैंने सिर्फ इनका हाथ पकड़ी रखा कि कोई गटर वगैरह बीच में ना हो, खामोश हो जाओ यार, ठीक है। हम घर पहुंच गए, उनका घर ऊंचा था तो रैंप बना हुआ था, बाहर थड़ा बना हुआ था। मैं बाहर बैठ गया, अंदर जाने की तो ना उन्होंने बुलाया ना मैं गया, ठीक है। मैं बाहर बैठ गया, बारिश हो रही थी, बाइक वहीं पे खड़ी थी। अम्मा चली गई अंदर, अम्मा ने जाके उनसे कहा कि दी ऐसे ऐसे वो पैसे बाजी, ठीक है। उनकी माँ की तबीयत खराब थी पहले, अम्मा ने जरूरी नहीं समझा, फिर जब निकलने लगे ना तो जाहिर बात है कोई और हल तो था नहीं कि जाके एटीएम से पैसे निकलवा लें, ना एटीएम थे ना बैंक अकाउंट था, कुछ भी नहीं था। तो अम्मा ने ना उनसे कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को तो पैसे नहीं आए, मैं कटवाए नहीं बैंक से, 100 रुपया मेरे को आ जाए। तू आ रहा अम्मा भी मार है, मैं बाहर नहीं निकली हूँ तो मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकाले, तो आप ना ये 100 रख लो। उनकी शायद गलती थी, हम बताए बगैर ही गए थे, हो सकता है पैसे ना हो, 900 रुपया था सिर्फ 900 रुपया। जब मैंने अपने बेटे को बाहर बैठे देखना रैंप पे, मुझे पता, मुझे आज तक ये चीज नहीं भूलती कि मेरा इतना महंगा बेटा बैठा था कैसे, और ये बच्चा पला कैसे है कि इसके पीछे पीछे मामू की फैक्ट्री थी, पापा साथ है, इसके पीछे पीछे लड़के रहते थे, कई लड़का जब मेरी बाई निकला उसके पीछे पीछे हम लोग रहे। इसलिए मैं सुना नहीं चला। बस कोई नहीं, मैं भी तो बंदा अपन, और इतना फनी मैंने सारा व्लॉग बनाया था, आपने सारा जो है ना वो इमोशनल में उसको डाल दिया। ये स्टोरी है ना, ये स्टोरी, ये समटाइम्स जब अगर अम्मा मेरी कभी देखे ना कि मेरा पुत्र आकड़ चाह रहा है, या फिर इसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंट ये हो रहा है, जबकि मैं बहुत शाजो नाजम मेरा खड़ा, कभी नहीं मैं हुआ, मेरी माँ जी मुझे स्टोरी सुनाती होती है, और मैं जब कभी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ ना तो ये स्टोरी मैं याद रखता हूँ कि वो टाइम भी था। बेशक टाइम का ये एरिया, टाइम थोड़ा कम था, 2-4 साल का था, 5 साल का,
पर ये कि मैंने इससे इससे बचे, मैंने सीखा बहुत है। अभी तक कभी हमने आंख जमीन से नहीं उठाई है कि वो वक्त हमने दोनों देख लिए, अपने दादा से लेके अपने बाप से। माशाल्लाह ऐसे थे कि फैक्ट्रियों वाले। फिर एक दौर ऐसा आया, फिर अल्लाह पाक का शुक्र 4-5 साल का अरसा था, मौलाना ने वो बड़े अच्छे से गुजार दिया, बड़ी इज्जत से मौलाना ने गुजारा। पर मैंने आज तक मैं अपने बच्चों को कहती हूं, बेटे ये चीज कभी जिंदगी में भूलना, जिसलिए हम लोग अपनी जमीन से सर नहीं उठाते कि नहीं जो कुछ है इसमें ही है। फैक्ट्रियों की मालकन थी, भाइयों की बाप की फैक्ट्रियां थी। बाप के बाद अपने शोहर के घर आई तो वो एक मतलब कुवैत में थे, वेल सेटल थे, ठीक है। वहां से डाउनफॉल आया, बेटा खराब हो गया, अपना घर छोड़ा, किराए के घर पे आई, ठीक है। ये इतना होना चाहिए अपनी औलाद के लिए, हौसला बड़ा रखना पड़ता है कि नहीं किसी तरीके से ये लोग एक ऐसे ऐसे इंसान बने, कल को लोग इनको देख के यार जैसे वो करता वैसे कर ले। इनको कभी मैंने भूले नहीं दिया कि एक रात हम भूखे भी सोए थे, इसने कहा मुझे भूख लगी, मैंने कहा उल्टा लेट जा। यार मैंने बड़ा मजे का व्लॉग बनाया था, आपने क्या कर दिया। ये रात भी आई थी इसी टाइम में ना, अवैस को सम टाइम की चीजें बताता हूँ, क्योंकि अवैस इस टाइम स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, तो मैं उसको बिठाता हूँ, समझाता हूँ। सम टाइम ऐसा आया था कि मेरे बाबा की तनहा तो महीने बाद ही आनी थी, बाबा ने कोशिश तो की थी यहाँ पर आके भी सेटल होने के लिए, कि नहीं हो सके, कुछ नहीं बना, नहीं बना कुछ नहीं पाकिस्तान में ना, कुछ नहीं बना। कभी सियासतदानों ने नहीं बनने दिया, कभी मतलब अजीब अजीब पग। और फिर इसी सोसाइटी में मेरी बहन माशाल्लाह कनावी घर में रहती थी, मैंने उस तक पहुंचाया नहीं कि मेरे बच्चे भूखे भूखे। मेरी खाला इसी सोसाइटी में, वो इतना रोई थी कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। खुद का कनाल का घर है मेरी खाला का, और मेरी माओ जैसी खाला है सारी, कोई हमारी टसलबाजी किसी रिश्तेदार से नहीं, लोगों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे कैसे हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुचल हैं, सारे हीरे। मेरी बहन रोई थी कि आपने, मेरी खाला कनार के घर में यहाँ पर रहती हैं। एक रात ऐसी आई कि घर पे खाने को कुछ नहीं था, किसी से पैसे लेने भी नहीं थे, और मांगना कभी दोबारा किया नहीं था। मैंने रात को कहा ऐसे उठ के, अम्मा भूख लगी है, और मैं बच्चा नहीं था, कैसी नींद आ जाएगी, मैं ठीक था। मैंने रात को कहा, मैं मम्मा भूख लगी है, मम्मा ने कहा कि उल्टा होके सो जा, ठीक है, पेट जो है वो जमीन के साथ लगा और सो जा। मैंने पेट जमीन के साथ लगाया, गजब को तो भूख लगती नहीं थी, वो तो खैर बस सुबह खाया, उसके बाद सारा दिन खाती नहीं, मैं उल्टा होकर सो गया। और सुबह उठा तो फिर कुछ पापा आए तो नाश्ते शाश्ते का कोई सीन बना, सारी रात भूखा सोया था, वो रात भी याद है। किसी और भी बड़े बड़े हैं, बाइक खराब हो जानी, बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाना, मकसद सिर्फ यही है कि कभी ना भूलो कि हम लोग कैसे कैसे कहां से चले थे, कहां से चले और कहां तक पहुंचे। अल्लाह का बड़ा एहसान की इज्जत हमेशा मालिक ने दी है, उस चीज से हम लोग कभी अल्लाह ने महरूम नहीं किया कि हमें इज्जत बहुत दी। फैक्ट्रियां कैसे खत्म हो गई पता नहीं लगा, वो बुरा टाइम कैसे खत्म हो गया पता नहीं लगा। अब ये टाइम है, जब तक मेरे मालिक ने लिखा हुआ ये भी रहेगा, जब ये खत्म होना होगा ये भी कर देंगे, इससे बेहतर आएगा, इससे बुरा आएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि अपनी जो है ना वो आजजी नहीं भूलो, बिल्कुल। बाकी व्लॉग को ये भी एंड कर रहा हूँ, मैंने तो चाहा था कि हंसी मुस्कुराहट वाला होगा, लेकिन अम्मा मेरी जो है ना ये वाला किस्सा पता नहीं क्यों निकाल के दे देती है। यार मुझे याद आता कि मैं किस तरह पली, किस तरह जवान हुई फैक्ट्री में, दादा से लेके बाप तक, फिर आगे शोर का थोड़ा अच्छा देखा मैंने, पर वो भी अच्छा देखा। उसके बाद ऐसी मैंने चक्की कसम से अपनी चलाई है ना जिंदगी की, मुझे पता है। फिर मालिक ने औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर नेक औलाद दी दोनों बहन भाई माशाल्लाह, मेरी बेटी मेरा बेटा, अल्लाह पाक सबके बच्चों को। यार ठीक है, माँ बाप से सारे प्यार करते हैं, तू क्या एक्स्ट्रा ही यार माँ के साथ जुड़ा होता है, तो मुझे ये सारी चीजें याद आ जाती है। मैं आप सबको बता तो नहीं सकता ये सारी चीजें, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे पूरी फिल्म चलती है कि मेरी माँ ने क्या क्या किया। और बड़े बड़े किस्से हैं जो मैं बताने बैठूं तो 2 घंटे का व्लॉग। मैं यही कह रही हूँ सारे बच्चों से कि खुदा की कसम अगर मैंने इतनी सी मेहनत की है ना परवरदिगार, मुझे सिले इतने दिए, किस शक्ल में, मेरी गजल की शक्ल में, मेरे रजब की शक्ल में, कि आप मेरे बच्चे, मुझे लगता था जैसे हम लोग इनके बच्चे ही हमारे माँ बाप है, इस तरह हमारी केयर करते हैं, इस तरह केयर करते हैं, यकीन कर लो कि कई दफा इनकी केयर पे मुझे रोना आ जाता है। मेरी बेटी अपने घर वाली होकर भी ऐसी केयर करती है, मेरा बेटा भी, कई दफा इनके प्यार पे मुझे रोना आ जाता है। यहाँ पर जो है ना वो इमोशनल जो है ना ज्यादा हो जाएगा काम। व्लॉग को मैं फिलहाल एंड कर रहा हूँ, और मैं चीख पुकार करके व्लॉग एंड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं और 2 मिनट में रुक पड़ूंगा यहाँ पर। मुझे सारे सीन याद आ रहे हैं, मैं बहुत सफाई पसंद इंसान था, लेकिन वो गटर का या बारिश का मिक्स पानी नहीं भूलता मुझे। मैं इतने इतने पानी में गया 900 रुपया लेने के लिए, जस्ट 900 रुपीज, और वो भी नहीं मिला। आपको पता मुझे कितना एलर्जी होती है इस चीजों से, और मैं उस वक्त बड़ा मेरे दिल में अल्लाह पाक तो मुझे माफ कर दे, पता नहीं किस चीज का ये है कि मुझे इस तरह भी देखना पड़ रहा है। और मिला क्या था 100 रुपया। व्लॉग को यहाँ पर कर रहा हूँ एंड। ये थे 4 करेक्टर्स और उनकी 4 अनटोल्ड स्टोरीज, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, हंसी मजाक भी हुआ होगा, और आपको थोड़ी सी अम्मा की बात से मोटिवेशन भी मिल गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस व्लॉग को शेयर करें। माँ के लिए है कि हौसला नहीं हारना, अल्लाह पाक सुनता है, और बच्चों के लिए भी है कि इनसे बढ़ के कोई चीज नहीं है, ठीक है। दोस्त यार हर चीज जो है वो बाद में है, पहले ये लोग, ये जो जो सेक्रीफाइस आपके लिए करते हैं ना वो कोई नहीं करता।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दोस्तों के साथ ये व्लॉग शेयर कीजिएगा जिसे मोटिवेशन की जरूरत है। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।